हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे स्टफ सूजी बॉल, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत कम तेल में बन जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में डालेंगे 1 कप सूजी। उसके बाद उसमें आधा कप दही डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका थोड़ा लूज सा एक डो बना लेंगे। क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने 2 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, जो मैंने एक प्याज काट लिया था अच्छे से, एक ही मैंने हरी मिर्च बारीक काट ली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये छोटा टुकड़ा अदरक का और ये अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके छोटी छोटी बॉल्स बना के रेडी करेंगे। ये देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। ये देखिए हमने सारी अपनी स्टफिंग से बॉल बना के रख ली है एक साइड। अब हम देखते हैं हमारा बैटर कैसा है। सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से बन गया। अब हम इससे अपनी बॉल्स बनाते हैं। सूजी बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे ये हाथ पे चिपके ना। थोड़ा सा ये लेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे और एक बॉल लेके हल्के हाथ से इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर से लेंगे, फिर कोई ऐसे करेंगे, इसको स्टफ करके इसको इस तरह से बंद कर देंगे बहुत हल्के हाथ से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे सूजी बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको स्टीम करेंगे। ये सूजी बॉल स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया और उसके ऊपर ये चलनी रख दी है। इस चलनी को तेल से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो ये अच्छे से ग्रीस करना, नहीं तो ये सूजी बॉल इसमें चिपक सकती है। उसके बाद एक एक करके हम इनको इसमें रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको स्टीम करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कैसे बनती है। ये देखिए इस तरह से गैस को तेज कर देंगे और इनको अच्छे से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। सूजी बॉल्स को स्टीम होते हैं 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक करके देखते हैं। एक ही हमने दूध पिक ले ली है, उससे चेक करते हैं। देखिए ये बिल्कुल साफ निकली है, तो ये हमारे सूजी बॉल रेडी हैं। ये देखिए सूजी बॉल बन गई हैं। हम इनको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी या किसी सॉस के साथ, बट आज हम इनको एक तड़का लगाते हैं जिससे और ये बढ़िया बन जाएंगी। इसके बाद इसमें डालते हैं सबसे पहले कड़ी पत्ता। ये मेरे पास सूखा वाला कड़ी पत्ता है और इसको अच्छे से
गरम करते हैं। उसके बाद डालते हैं इसमें जीरा, सरसों दाना, तो इसको अच्छे से चलाते हैं। अब इसमें हम ये अपनी सूजी बॉल्स डाल देते हैं और अच्छे से इनको चला देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करते हैं और इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक भूनते हैं। इनको 2 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है और ये अब रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी बॉल्स बनके तैयार हैं। आप इनको हरी चटनी या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा।